समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार देखरेख की आवश्यकता एवं संरक्षण तथा विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के संरक्षण कल्याण एवं पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना 24 नवंबर 2010 से प्रदेश में संचालित की जा रही है। इस योजना द्वारा केंद्र एवं राज्य के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को उनके समग्र कल्याण के लिए उपयुक्त वातावरण में निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिससे निराश्रित परित्यक्त एवं उपेक्षित तथा विधि से उल्लंघन करने वाले संस्थागत तथा गैर संस्थागत प्रयासों से उचित वातावरण पुनर्वासन एवं बच्चों के अधिकार प्राप्त हों, उन्हें परिवार में पुनर्वासित करने का कार्य किया जा सके तथा विधि को उल्लंघन करने वाले किशोरों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी ने बाल श्रम उन्मूलन पर विशेष बल देते हुए कहा कि बाल श्रम अपराध है। उन्होंने समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जनपद में संचालित योजनाओं के संबंध में बताया कि इसके तहत स्पॉनरशिप, फास्टर केयर, आफ्टर केयर आदि संचालित हैं। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, बाल एवं किशोर मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मुमताज खान, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी व संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। आश्रम किधर है? कहाँ? कैंपियर में। तो इसका स्पेशल एक की बच्चियाँ रखी जाती हैं 10 से 18 वर्ष। इस हिसाब से मतलब ये चाइल्ड एक्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के और स्टेट का इस्तीफ के अंदर हमारा एक ऑपरेशन सेंटर होम है, सुनौली माया। और बच्चियाँ हैं 0 से 10 वर्ष की और 10 से 18 वर्ष। कितने बच्चे हैं आपका? 41 कितने बच्चे हैं इस समय में आपका? बच्चों के संबंध में बात करते हैं। इसके अलावा दो सोशल वर्कर, दो आउटरीच
इस तरह से सर नौ का हमारे यहाँ की सुनाई बहुत प्रॉपर रूप से संचालित है।